आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सेल। इलेक्ट्रिकल सेल में हमको जो पढ़ना है वो टॉपिक्स है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल। ठीक है, इफ यू कनेक्ट एन सेल्स इन सीरीज एंड एन सेल्स इन पैरेलल एंड इफ यू कनेक्ट इट इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्लियर, दैट इज मिक्सड कॉम्बिनेशन। उसके आगे हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर के बारे में पढ़ना है, तो आज का टॉपिक इतना ही रहेगा। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रिकल सेल। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल सेल अब सब अपने घरों में यूज करते हैं। ओके, घड़ी में या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में बहुत सारी जगह ये सब यूज होती है। तो इलेक्ट्रिकल सेल इन शॉर्ट होता क्या है, इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी भरी हुई होती है जो बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जो हम लोग अपने पर्पस में यूज कर लेते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सेल। इलेक्ट्रिकल सेल इज अ डिवाइस, दैट इज रिटन इन डेफिनेशन हियर। इलेक्ट्रिकल सेल इज अ डिवाइस विच मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का काम करता है, जिसके कारण आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा और वहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा एंड मेंटेन द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। क्लियर, यहाँ पे जैसे आपको लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, ओके, अब इसके आगे चलते हैं। ये सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब सेल के अंदर क्या होता है, खैर ये सब अपना आपका केमिस्ट्री का पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट बस ये है कि इलेक्ट्रिकल सेल का काम क्या है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। रिमेनिंग थिंग यू कैन रीड फ्रॉम हियर, एवरीथिंग इज रिटन हियर। आगे चलते हैं, सेल्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स। अभी होते क्या है, पहले नॉर्मल भाषा में समझ लेते हैं, उसके बाद इसका डेफिनेशन समझेंगे। नॉर्मल भाषा में अगर कहा जाए तो प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं, जिसको आप चार्ज रिचार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, और सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं, जिसको आप एक बार रिचार्ज करो फिर उसको यूज करो, डाउन हो गया फिर से उसको रिचार्ज करो फिर यूज करो, मतलब रिचार्जेबल सेल्स जो होते हैं उनको सेकेंडरी सेल कहते हैं। सो दैट इज रिटन हियर, द सेल विच डायरेक्टली कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड विच आर आल्सो नॉट रिचार्जेबल इज नोन एज प्राइमरी सेल्स, मतलब जो रिचार्जेबल नहीं होते, नॉट रिचार्जेबल। ओके, और ये डायरेक्ट कन्वर्ट करते केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल्स है डैनियल सेल, ड्राई सेल, लैग्रांजियन सेल, ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ लोगे। अगला जो होता है सेकेंडरी सेल, जो रिचार्जेबल होते हैं, द सेल विच कन्वर्ट्स फर्स्ट, ये क्या करते हैं, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड देन स्टोर इट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे, उसके बाद जब भी आपको रिक्वायरमेंट होंगे आप इस केमिकल एनर्जी को अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे एंड आफ्टर इट व्हेन रिक्वायर्ड केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सेल कैन बी रिचार्ज्ड। ओके, तो आपको मैं जो भी बता रहा हूँ इसको अपने नोट कॉपी में एज इट इज लिखते जाना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बहुत स्लो स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको लिखते जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताया था कि सेल्स में जो होते हैं दो टाइप के सेल होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ओके, अब सेल हमको क्या प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं वो ऐसा है कि जब करंट फ्लो नहीं होगी सेल्स से, जब सेल से हम करंट नहीं सेल करंट प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा तब उसके टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा, और जब वो करंट फ्लो कर रहा होगा तब उसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा, ये दोनों अलग अलग होता है। जब वो करेक्ट नहीं होगा, मतलब कि जब सेल के थ्रू करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, उस कंडीशन में उसके टर्मिनल के जो अक्रॉस वोल्टेज रहता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जब उसको हम लोग सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं और तब उसके अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज होगा उसको कहेंगे टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये दो टाइप के पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ओके, अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ये सब मतलब पहले नॉर्मल भाषा में समझ लेते हैं, मतलब समझने के हिसाब से, उसके बाद इसका बाय डेफिनेशन हमको याद करना ही है, ये लिखना भी आपको अपने नोट कॉपी में। ठीक है, तो मैं बहुत स्लो स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, EMF of a cell which may be defined as potential difference between the terminal of cells. ठीक है, क्या होता है potential difference between the terminal of cell, कब, when no current is drawn from the cell, जब उससे कोई करंट नहीं लिया जा रहा होगा, मतलब वो सर्किट में करंट नहीं है, उस कंडीशन में जो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगी उसी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे। ठीक है, अब इसी चीज को आप ये अगर कनेक्ट नहीं है तो उसी को ओपन सर्किट बोल सकते हैं। When a cell is open circuit means no current flows through the cell, then the potential difference between two electrons called electromotive force, it is denoted by capital E. ठीक है, इसको capital E से denote करते हैं। Clear है ये? Okay, अब आगे चलते हैं।
टर्मिनल वोल्टेज। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है या टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, जब इस एक सर्किट में सेल को कनेक्ट कर दिया, अभी सेल को कनेक्ट कर दिया, अब यहाँ से करंट फ्लो होना चालू हो गई, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉप हो गया होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो इसके अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा उसको टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन यहाँ से हमको समझ में आता है, इट इज अ वोल्टेज ऑफ अ सेल एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब करंट उससे लिया जा रहा होगा तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे, क्लियर है। तो ये दो चीज बिल्कुल याद रखेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। अब इन दोनों में ज्यादा कौन सा होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्यादा होगा और टर्मिनल वोल्टेज कम होगा। ये क्यों कम होगा इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे तब ये चीज क्लियर होगा, ठीक है। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच एक जो डिफरेंस होता है ये एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, इस चीज को अपनी नोट कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। तो चार पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है, ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। सेल के बीच इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, तो उनके बीच मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसी को हम ईएमएफ बोलेंगे, मतलब इससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकता वो सेल, ठीक है। ऑफ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, दैट इज व्हेन सर्किट इज ओपन, क्लियर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट इज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ क्लोज सर्किट, ठीक है। अब सर अगर क्लोज सर्किट रहेगा तो उसके दो पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब उससे दो टर्मिनल के बीच का जो डिफरेंस है उसी को पोटेंशियल, मतलब एक में जब क्लोज सर्किट रहेगा और एक में जब ओपन सर्किट रहेगा, क्लियर। ईएमएफ का अगला पॉइंट क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ये सर्किट का रेजिस्टेंस कुछ भी रहे, ऑब्वियसली कुछ भी रहे क्या फर्क पड़ता है, जब ओपन ही है सर्किट में कनेक्ट ही नहीं है तो सर्किट रेजिस्टेंस से कहीं फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो क्लोज सर्किट है मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर वो सर्किट क्लोज होगा तभी काम करेगा, तो सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उससे भी फर्क पड़ेगा। तो इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स, ठीक है, दोनों पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस है उस पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। थर्ड, द टर्म ईएमएफ इज यूज्ड ओनली फॉर सोर्स ऑफ ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ जो रहता है वो सोर्स के लिए यूज होता है, ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस सब का कोई रोल नहीं रहता है उसका, जो जैसा आप 5 वोल्ट की बैटरी खरीदते हो तो 5 वोल्ट क्या दिखाएगा उस बैटरी का ईएमएफ, उससे ज्यादा उसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन अगर उस 5 वोल्ट की बैटरी को कि सर्किट में कनेक्ट करते हो उसका अगर रेजिस्टेंस ज्यादा करोगे तो इसका ईएमएफ धीरे धीरे कम होगा, कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा इन शॉर्ट, ठीक है, ईएमएफ कम नहीं होगा पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, इट इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस, ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ सर्किट, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हाउएवर पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन ईएमएफ व्हेन द सेल इज बीइंग चार्ज्ड, जब सेल को चार्ज कर रहे होंगे उस कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज हमेशा आपका ईएमएफ ही ज्यादा होगा, ओके क्लियर। तो ये पॉइंट्स है, इसको याद जरूर रखिएगा और अपने कॉपी में एज इट इज लिख लीजिएगा, ओके। तो ये हो गया आपका टर्मिनल वोल्टेज के बारे में, अब आते हैं, अच्छा टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ इन दोनों में फर्क होता है, तो ये फर्क होता किस लिए है, होता क्या है कि आपका जो भी सेल है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भरे होंगे या तो फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल्स भरे होंगे, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए उस केमिकल से भी होकर गुजरना पड़ता है, वो जो केमिकल्स हैं उस फ्लो को अपोज करेंगे, ठीक है, उस फ्लो को अपोज करें तो सेल के अंदर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा उस अपोज के कारण, तो इसलिए जो उसका एग्जैक्ट वोल्टेज दिया रहता है, जो उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है उस जब वो क्लोज सर्किट में कनेक्ट करते हैं, तो उससे आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कम ही आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ड्रॉप कहाँ हो जा रहा है, सेल के अंदर हो जा रहा है, ठीक है, इस कारण से। और ये जो सेल के अंदर ये जो अपोज होता है उस केमिकल्स के कारण, इसी को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अब आते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इसके बारे में, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज अपोजिशन ऑफर्ड बाई इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सेल के अंदर जो आप सॉल्यूशन घोल के रखते हो वो इलेक्ट्रोलाइट, एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल, उसमें जो इलेक्ट्रोड अब जिंक और कॉपर का डाल के रखोगे उसको इलेक्ट्रोड, ठीक है, उनके कारण जो अपोजिशन प्रोवाइड किया जाएगा सेल टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल आर, इसको हमेशा स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नॉर्मल रेजिस्टेंस सर्किट का जो रेजिस्टेंस रहेगा उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से, स्मॉल आर से क्यों, क्योंकि जनरली बहुत कम होता है सर्किट रेजिस्टेंस के कंपेयर में। इट मेनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड सॉरी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड ऑफ सेल्स, ठीक है। तो अब सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, इसको भी अपने कॉपी में लिख लेंगे, ओके। एक पॉइंट है ये बस समझने के लिए, ठीक है, जनरली आपके सर्किट में जो करंट है वो फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, बट इनसाइड द सेल करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज रिटन हियर, इनसाइड द सेल करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल,
एंड इन द सर्किट द करेंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर? ओके, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस को? तो जनरली क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है, हम जनरल सेल या के कंपेयर में बात करते हैं, तो एक सेल बनाएंगे और उसके बगल में एक रेजिस्टेंस को डिनोट कर देंगे, जो हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस, या कैपिटल आर दिया, इसको स्मॉल आर समझिएगा आप। ओके, अब अगला जो है, ओके, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब इनके बीच जो रिलेशन है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें क्या होता है? अब पहले सोचो कि ज्यादा क्या होता है, ज्यादा होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और कम होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब अगर मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल वी से डिनोट करता हूँ और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ई से डिनोट करता हूँ, तो जनरल जाहिर है कि मैं ई माइनस समथिंग करूंगा तब मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, तब आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आएगा। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। अगर मैं एक सर्किट ड्रॉ करता हूँ, यार ये कैमरे का बड़ा सोचा है, ओके, तो ये सेल है आपका, ठीक है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस सेल को मैं कनेक्ट किया इस सर्किट में जिसका रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, तो ये आपका सर्किट बन गया। अब इसका अगर मेरे को वोल्टेज मेजर करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दूंगा जो यहाँ पर है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं, तो इस पर करंट कितना फ्लो होगा? करंट का हम लोग इक्वेशन जानते हैं, वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, वोल्टेज यहाँ पर क्या है? ई है। ठीक है, तो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट आई इज इक्वल टू कैपिटल ई डिवाइड बाई आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस कैपिटल आर के अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा, तो आई इंटू आर यहाँ पे अगर लिखते हैं, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकल जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, जैसे कि यहाँ पे इस टर्म को आर प्लस आर को आई से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ई विल बी आई इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। उसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, आई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू ई, आई आर प्लस आई स्मॉल आर इक्वल टू ई एम एफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आई इंटू आर विल बिकम कैपिटल वी, दैट इज रिटन हियर वी प्लस आई आर इक्वल टू ई। ठीक है, इसको हमने कॉपी में लिखते जाएंगे एज इट इज, आपको समझ में आ जाएगा एक साथ जब देखेंगे तो। ओके, तो वी प्लस ई आई आर इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो दैट इज द फाइनल रिजल्ट, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक है, तो यही इनके बीच रिजल्ट होता है, बहुत ही सिंपल है। करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज यहाँ पे ई है, रेजिस्टेंस आर प्लस आर है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, अपने आप सारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे अपने कॉपी में। ओके, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर कैपिटल वी। सो व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर स्मॉल आर, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम लोग को पता है आई इंटू आर इक्वल टू ई माइनस वी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, यहाँ से आई नीचे चला गया, तो स्मॉल आर विल बी आई अपॉन ई अपॉन आई माइनस वी अपॉन आई। हमको पता है वी अपॉन आई विल बी कैपिटल आर, सो वी कैन राइट हियर स्मॉल आर इक्वल टू ई अपॉन आई माइनस आर। ठीक है, आर अगर दोनों से कॉमन लेते हैं, दैट विल बिकम आर ई अपॉन आई आर माइनस वन, आई आर विल बी वी, सो स्मॉल आर विल बी आर इंटू ई अपॉन वी माइनस वन। इसको हमने कॉपी में लिखे, आपको जब एक जगह सिस्टमेटिक दिखेगा तो समझ में आ जाएगा, और उसको अगर किसी भी स्टेटमेंट डाउट होता है तो मैं से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। अब इससे आगे चलते हैं, अगर हम लोग सेल्स को पैरेलल जोड़ते हैं या सीरीज में जोड़ते हैं, तो एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, एग्जैक्ट इंटरनल रेजिस्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा, इस बारे में बात करते हैं सेल्स के कारण। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे अगर सारे सेल आइडेंटिकल हैं। ठीक है, मतलब सारे सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक ही है और इंटरनल रेजिस्टेंस एक ही है। सपोज ये समझ लो कि 5 वोल्ट का सारे सेल ले लिए, तो आपको टोटल रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, टोटल ईएमएफ कितना मिलेगा जब हमको सीरीज में जोड़ते हैं या जब हमको पैरेलल में जोड़ते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सेल, अगला टॉपिक है सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। हेडिंग आप लिखोगे अपने कॉपी में, बाकी सब कुछ एज इट इज लिखते जाओगे, मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। सेल्स इन सीरीज, अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो ये पहला सेल एक हुआ ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर, फिर ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, इस तरह के इनफाइनाइट सेल्स आप जोड़ दोगे। अब देखो, अगर सेल को सीरीज में जोड़े तो उनके सारे रेजिस्टेंस है वो भी सीरीज में हो जाएंगे, रेजिस्टेंस सीरीज में। ठीक है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस सीरीज में क्या हो जाएगा, सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर देना R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल R है। ठीक है,
ठीक है, सब आइडेंटिकल है, तो स्मॉल आर, स्मॉल आर को आप एन टाइम्स जोड़ोगे, एड करोगे, तो इफ टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, एन इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ पर नेट इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी एन आर, ठीक है। अब ईएमएफ की बात करते हैं, सारे सेल्स जब सीरीज में जोड़ते हैं तो उनका ईएमएफ आपस में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर नेट ईएमएफ जो रहेगा, क्योंकि सीरीज में आपका वोल्टेज सेम नहीं रहता है, पैरेलल वोल्टेज सेम रहता है, सीरीज में वोल्टेज ऐड होता है और पैरेलल वोल्टेज एज इट इज रहता है, ठीक है। तो नेट ईएमएफ जो आपका बनेगा एन इंटू ई बनेगा, क्लियर है। अब सिंपल है, करंट जो यहाँ पे फ्लो होगा, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ पे एन इंटू आर तो करोगे ही, साथ ही एक रेजिस्टेंस ये भी है तो उसको भी ऐड करना है, तो आई विल बी इक्वल टू वोल्टेज ई डिवाइड बाई आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ से आपका करंट एक्सप्रेशन आ जाएगा एन ई अपॉन आर प्लस आर, इसको आप अगर फाइनल इक्वेशन तो यही है। अब अगर मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम कर देते हो एन ई अपॉन कैपिटल आर बन जाएगा, अगर कैपिटल आर की वैल्यू कम कर देते हो तो ये बन जाएगा एन ई अपॉन एन आर, दैट विल बिकम ई अपॉन आर, ठीक है। तो फाइनल एक्सप्रेशन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी केस तो बहुत सारे होते हैं, अलग अलग टर्म में अलग अलग समझ सकते हैं, ठीक है। अब अभी तो बात किया था कि मैं जो सारे सेल हैं आइडेंटिकल हैं तब क्या केस होगा, अब अगर सारे सेल्स जो हैं वो आइडेंटिकल नहीं है, एक हम 5 वोल्ट का लेते हैं दूसरा 10 वोल्ट का ले लेते हैं, तब उस कंडीशन में ईएमएफ कितना होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका ईएमएफ पहले वाले का E1 है, उसका रेजिस्टेंस R1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, E1 रेजिस्टेंस ईएमएफ है और R1 इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो उसमें से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट सेल का क्या हो जाएगा, वी, दैट विल बी इक्वल टू E1 माइनस IR1, ठीक है। दूसरे वाले का कितना हो जाएगा, V2, दैट विल बी इक्वल टू E2 माइनस IR2, ठीक है। सीरीज में करंट सेम ही फ्लो होगा, ओके, तो I सेम रहेगा, I चेंज करने की जरूरत नहीं है, ओके। अब जो E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट है वो हो जाएगा E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2, ठीक है। तो आपका E इक्विवेलेंट बनेगा E1 प्लस E2, ऑब्वियसली सीरीज में बताया था ये तो जुड़ जाता है वोल्टेज, कोई दिक्कत नहीं। R क्या हो जाएगा, वो भी आपस में जुड़ जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। तो E इक्विवेलेंट विल बी E1 प्लस E2 प्लस EN, R इक्विवेलेंट विल बी R1 प्लस R2 R3 RN तक, क्लियर है। अब सेल्स को अगर हम पैरेलल में जोड़ते तब क्या होता है, ठीक है, एन आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल, अब सारे सेल्स आइडेंटिकल मतलब सारे 5 वोल्ट के, उस कंडीशन में क्या होगा, तो मैं बता रहा हूँ सेल्स जब पैरेलल में जोड़ोगे तो सबके जो वोल्टेज पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, सबके वोल्टेज जो रहेंगे वो सेम रहेंगे, इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना, अभी मैं आइडेंटिकल सेल बोल रहा हूँ इसलिए सबके वोल्टेज में सेम कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ईएमएफ अलग चीज़ है और टर्मिनल वोल्टेज अलग चीज़ है, ठीक है, तो अभी इसको समझते चलो, अभी तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो इसका ईएमएफ जो होगा सब में ई होगा, एन ई नहीं होगा क्योंकि पैरेलल वोल्टेज सेम, इसका भी इसका भी इसका भी, ठीक है। तो नेट ईएमएफ विल बी ई, नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना होता है, रेजिस्टेंस डिवाइड बाय एन, अगर सारे रेजिस्टेंस सेम है, अगर एन रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में जोड़ते हो तो दैट विल बी आर अपॉन एन। तो अगेन करंट का इक्वेशन ईएमएफ वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज इज कैपिटल ई, रेजिस्टेंस आर प्लस स्मॉल आर अपॉन एन, ठीक है। तो यहाँ से आपका करंट का एक्सप्रेशन निकल गया, ठीक है, यहाँ तक सिंपल है। अगला डिफरेंट सेल्स इन पैरेलल, अब यहाँ पे दोनों सेल्स जो है अलग अलग हो गए, ठीक है, इसका ईएमएफ E1 है, दूसरे का ईएमएफ E2 है, ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरे का इंटरनल रेजिस्टेंस R2, इस पूरे कॉम्बिनेशन को जो सर्किट में कनेक्ट किए हैं उस सर्किट का रेजिस्टेंस है कैपिटल R, ठीक है। तो यहाँ से करंट आया, एक करंट यहाँ गया, एक करंट यहाँ गया, ठीक है। अब ये दो करंट आपस में बट गए, अब ये दो टोटल करंट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। अब I1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, I1 विल बी इक्वल टू E1, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, I will be equal to I1 plus I2, so V, इसका जो terminal potential difference will be equal to E1 minus I1 R1, ठीक है, ये हो गया terminal potential difference, ठीक है। इसी तरह इस दूसरे branch के लिए अगर लेंगे तो V2 will be equal to E2 minus I2 R2, ठीक है, V will be equal to E2 minus I2 R2, ठीक है। अब देखो V पहले इसके लिए जो आया V equal to E1 minus I1 R1, यहाँ पे V इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन EMF के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी V, दोनों के लिए V रहेगा, ठीक है, लेकिन पहले जो V का वैल्यू है E1 माइनस I1 R1, दूसरे V का वैल्यू जो है E2 माइनस I2 R2, ये दोनों V आपस में सेम है,
तो आप दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, तो आई विल बी इक्वल टू ई, सॉरी आई विल बी इक्वल टू, सॉरी यहां से एक्सप्रेशन निकाल दिया, आई जो है आई वन प्लस आई टू के बराबर था, तो आई वन विल बी इक्वल टू ई वन माइनस वी अपॉन आर वन, आई टू विल बी इक्वल टू ई टू माइनस वी अपॉन आर टू, इन दोनों को ऐड किए तो टोटल आई की वैल्यू निकल गई, दैट इज दिस वन, सो टोटल आई विल बी इक्वल टू ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन डिवाइड बाई आर वन आर टू, ये एक्सप्रेशन है, ई इफेक्टिव हो गया, ये आर इफेक्टिव हो गया, माइनस वी इंटू आर टू आर वन प्लस आर टू अपॉन आर वन आर टू, ठीक है, ये वी इफेक्टिव हो गया। यहाँ से आप जब कंपेयर करोगे तो इक्वेलेंट विल बी ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू, ठीक है, ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, इस पर वेस्ट न्यूमेरिकल आते हैं। आर इक्वेलेंट इक्वल टू आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ये कहाँ से आया, बस ये समझ लो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला है, ठीक है, अगर तीन तीन रेजिस्टेंस होते, तीन सेल्स होते, तो सारे रेजिस्टेंस को आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर लो, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर, सेल्स टॉपिक यहाँ तक है, अभी इसके आगे भी कुछ कुछ बचा है, तो यहाँ तक आप नोट कॉपी में एज इट इज लिख लोगे, ठीक है, इसके आगे के टॉपिक अभी आपके यूनिट से हट चुके हैं, तो इसको अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल्स हैविंग डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, सारे सेल्स हैं, ये सेम वही टॉपिक है, उसमें दो सेल को कनेक्ट किया था, इसमें एन सेल्स को कनेक्ट कर दिया, तो अगर एन सेल्स को कनेक्ट करता है तो आपका इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू इंटू आर इक्विवेलेंट, ठीक है, ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू, अगर इस तरह एन है तो प्लस ई थ्री अपॉन आर थ्री प्लस ई फोर अपॉन आर फोर डैश डैश ई एन अपॉन आर एन, इस तरह से आगे बढ़ेगा, और इंटू आर इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, पैरेलल में अगर है तो आर इक्विवेलेंट विल बी वन अपॉन आर इक्विवेलेंट वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, सेम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दोगे आ जाएगा, ठीक है, ई इक्विवेलेंट वही जो मैं अभी बताया, सेम वही चीज़, ठीक है, ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, वही पैरेलल कॉम्बिनेशन से। अब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है, मतलब इसमें क्या किया है, सारे आइडेंटिकल सेल हैं, ठीक है, पहले उनको सीरीज में कनेक्ट किया और ऐसे ऐसे एन एन सेल्स को एक सीरीज में कनेक्ट किया, और वैसा ही एन सेल्स का सीरीज एम पैरेलल में कनेक्ट किया, ठीक है, तो पैरेलल में टोटल कितने लाइन कनेक्ट है, एम लाइन कनेक्ट है, देखो एम लाइन कनेक्ट है, और ऐसे ऐसे कितने सेल्स सीरीज में कनेक्ट है, एन, ठीक है, ओके, तो इसका एक्सप्रेशन कैसे करो, अब देखो अगर मैं बस एक लाइन की बात करता हूँ, तो एक लाइन की अगर बात करूँ तो यहाँ पे इफेक्टिव जो आएगा ईएमएफ दैट विल बी इक्वल टू ई ई ई एन ई, ठीक है, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आएगा एन आर, ठीक है, सिर्फ अगर एक लाइन की बात करता हूँ, सिर्फ मैं इस लाइन की बात करता हूँ तो, ठीक है, तो एन ई और एन आर, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफेक्टिव ईएमएफ, आगे ऐसे ऐसे सेल्स जो हैं एन ई और एन आर, ऐसे सेल्स जो हैं आपके पैरेलल में कनेक्ट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है, मतलब EMF तो एन ई ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस जो एन आर रेजिस्टेंस जो एम ऐसे रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो मैं बताया था टोटल रेजिस्टेंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब एम, तो एन आर डिवाइड बाई एम हो जाएगा, ठीक है, तो इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे फॉर्मूला पुट करेंगे, टोटल वोल्टेज एन ई डिवाइड बाई सर्किट रेजिस्टेंस आर और इफेक्टिव रेजिस्टेंस एन आर अपॉन एम, बस इसमें पुट कर दें, आंसर आ गया, बाकी सारा सॉल्यूशन एज इट इज रहेगा जैसे पहले कर चुके हैं, अगर किसी को समझना है तो मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं नोट कॉपी में आप लोग धीरे धीरे देख के लिख लोगे, ठीक है, इसका न्यूमेरिकल है ये, मैं आगे बाद में किसको करवाऊंगा, पहले मैं जो टॉपिक्स है उसको पढ़ा लेता हूँ। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी होता क्या है, किसी भी काम को करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए रहता है, तो आपका जो सेल है उसको भी अगर कंटिन्यूअस सर्किट में करंट फ्लो करवाना है उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए रहेगी, इसी चीज़ को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, वर्क इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके, सो दैट इज व्हाट इज रिटन, फर्स्ट वी रीड इट हियर, टू मेंटेन कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट बैटरी ऑफ सेल इज रिक्वायर्ड, ठीक है, अगर कंटिन्यूअस करंट को फ्लो करना है तो सेल रिक्वायर्ड होगा, वर्क डन बाय बैटरी टू मेंटेन द कंटिन्यूअस फ्लो, ठीक है, कंटिन्यूअस फ्लो को मेंटेन करने के लिए जो आपको वर्क डन किया जाता है बैटरी के द्वारा इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
क्लियर? तो यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। ओके तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आप गौर करोगे किसी भी सर्किट से, किसी भी रेजिस्टेंस से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे हीट जनरेट होता है, ठीक है। तो वो हीट कितना जनरेट होगा इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, और ये जो हीट जनरेट होता है यही एनर्जी भी होता है। तो इसके लिए हम समझते हैं, देखो अगर एक सर्किट है, ये सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है, तो अब सेल से करंट फ्लो होगा और रेजिस्टेंस होके गुजरेगा, ठीक है। तो जो वर्क पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, मतलब इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में ले जाने के लिए किया जाता है, ठीक है, सॉरी, नेगेटिव टर्मिनल से ले जाके पॉजिटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए जो वर्क किया जाता है वही उसकी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। सो पोटेंशियल विल बी इक्वल टू वर्क डिवाइड बाई चार्ज, वर्क बाई चार्ज। सो डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल टू वर्क, वर्क विल बी इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई चार्ज, क्लियर। नाउ करेंट, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, वर्क इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू चार्ज। नाउ करेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज क्यू अपॉन टी। सो इन प्लेस ऑफ क्यू वी कैन राइट आई टी। ओके, इफ यू पुट द वैल्यू इन इक्वेशन वन, पुट द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन वन, देन इट विल बिकम वी आई टी। ओके, सो वर्क विल बिकम वी आई टी। सो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर योर वर्क और योर एनर्जी, दैट इज वी आई टी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, बट वॉट इज द यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी, दैट इज जूल। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, वी विल यूज इट फर्दर एंड आई थिंक दिस इज नॉट रिटन हियर, सो यू कीप दिस इन योर माइंड, इट इज जूल। एंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी इक्वल टू वोल्टेज करेंट मल्टीप्लाई बाई टाइम। ओके, सो अगेन, ओके, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज वी आई टी, वी कैन पुट इन प्लेस ऑफ वी, आई कैन पुट आई आर, फ्रॉम ओम्स लॉ आई कैन पुट वी इक्वल टू आई आर। ओके, सो इट विल बिकम आई स्क्वायर आर, इट इज सेकेंड एक्सप्रेशन। ओके, आई कैन पुट इन प्लेस ऑफ आई वी अपॉन आर। ओके, सो इट विल बिकम वी स्क्वायर अपॉन आर, इट इज रिटन इन वी अपॉन आर, वी स्क्वायर आर, ठीक है। सो थ्री एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी विल बी इक्वल टू वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी एंड वी स्क्वायर अपॉन आर इन टू टाइम। बट वेरी फेमस एक्सप्रेशन फॉर हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, दैट इज जूल लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। अब ये तो हुआ सॉरी वर्क की बात। अब अगर मैं बात करूँ पावर क्या होता है, आप जनरली आपके घर में जो करेंट आता है पावर की बात करते हो, और जनरली आप जो पावर कंजम्पशन है उसको एक यूनिट से मेजर करते हो। आपके घरों में जो बिजली बिल आता है वो यूनिट में आता है, यूनिट, ठीक है, और जनरली पावर का यूनिट होता है वाट, ठीक है। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है ये समझिए, होता क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, दैट इज जूल पर सेकेंड इज वाट, यूनिट होता है पावर का वाट, वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, ठीक है। और वन किलो वाट, अगर किसी मशीन को आप यूज़ कर रहे हो वो वन किलो वाट पावर यूज़ करता है एक घंटे के लिए, ठीक है, वन किलो वाट पावर यूज़ करता है एक घंटे का, तब उसको हम कहते हैं वन यूनिट। तो आपके घर में जो बिजली बिल आता है वन यूनिट का, दैट इज वन किलो वाट, दैट इज 1000 वाट फॉर वन आवर, ठीक है, दैट इज रिटन हियर इलेक्ट्रिक पावर। रेट ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, रेट ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, सो इट्स एक्सप्रेशन विल बी इलेक्ट्रिक एनर्जी पर टाइम, सो दैट इज रिटन हियर डब्ल्यू अपॉन टी। सो हम लोग पहले से ये एक्सप्रेशन कर चुके, डब्ल्यू इक्वल टू वी आई टी, यहाँ पर अलग टाइप से लिखा है आई टी इंटू वी, बट इसको वी आई टी आप पढ़ो। सो वाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर योर पावर, तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो आप टाइम कैंसिल कर दो, तो वी इंटू आई विल बी एक्सप्रेशन फॉर पावर, और इसी तरह से आई स्क्वायर आर, दैट विल बी इक्वेशन फॉर पावर, और वी स्क्वायर अपॉन आर, दैट विल बी आल्सो एन एक्सप्रेशन फॉर पावर। सो इफेक्टिवली पावर के तीन एक्सप्रेशन हो जाएंगे, सॉरी, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, और वी आई, वी इंटू आई, इट्स नॉट रिटन, ओह दैट इज रिटन हियर, वी आई v square upon r or sorry v square upon r or i square r, ठीक है। तो ये सारे अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। तो और मैं आपको बताया था ब्रो ट्रेड यूनिट, वन यूनिट इक्वल टू वन किलो वाट आवर, इस चीज़ को भी आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिएगा। वन किलो वाट पावर इज कंज्यूम्ड इन वन आवर, देन एनर्जी इज सेड टू बी वन किलो वाट आवर, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है सुपर कंडक्टर। अब सुपर कंडक्टर क्या होता है, जैसे मैं आप लोगों को बताया था टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो वैसे ही टेम्परेचर जैसे जैसे कम करोगे तो रेजिस्टेंस कम होते जाएगा। मतलब कि अगर आप
मतलब आप अगर आप 20 केल्विन करते हो तो उसमें कुछ रेजिस्टेंस रहेगा, 40 केल्विन करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और 10 केल्विन करोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब आपने 10 केल्विन किया, रेजिस्टेंस कम हो गया, और कम किया 9 केल्विन, रेजिस्टेंस और कम हो गया, करते गए करते गए 6 केल्विन रेजिस्टेंस कम, 5 केल्विन रेजिस्टेंस कम, 4 केल्विन रेजिस्टेंस जीरो हो गया। 4 केल्विन वैसे रेजिस्टेंस जीरो नहीं होना, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होना चाहिए था, लेकिन एक एलिमेंट है मरकरी, ठीक है, मरकरी जो है वो 4 केल्विन पे उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, सुपर कंडक्टिविटी से काम करता है, उसी चीज़ को हम लोग सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं से ये टर्म आया है। इन सम सब्सटेंस द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस इज नॉट जनरल, ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस स्लोली डिक्रीज, बट आफ्टर अ सर्टेन लिमिट ऑफ लो टेम्परेचर द रेजिस्टेंस सडनली डिक्रीजेस टू बिकम अ जीरो, दिस फिनोमेना इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी, एंड द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस बिकम जीरो इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो बाकी मर्करी बिहेव्स एज सुपर कंडक्टर एट 4.2 केल्विन, क्लियर। ओमिक रेजिस्टेंस, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, ठीक है, नॉर्मल टॉपिक है, इसको आप यहीं से लिख लेंगे, जो ओम्स के लोगों को फॉलो करते हैं ओमिक रेजिस्टेंस, जो ओम्स के लोगों को फॉलो नहीं करते वो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ओमिक रेजिस्टेंस जैसा आपका रेजिस्टेंस जो भी कंडक्टर वगैरह हो गया, इंडक्टर वगैरह हो गया, वो ओमिक रेजिस्टेंस, कैपेसिटर भी, और नॉन ओमिक डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब जो है नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक है, ओके ओके, ये सब आपके होमवर्क्स हैं, ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, फॉर्मुला बेस्ड है, आप पुट करोगे आंसर आ जाएगा, सब कुछ समझाया हुआ है। तो इन न्यूमेरिकल्स को मैं वैसे धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, आप चाहो तो इसको नोट कर लेना, समझ लेना, अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे एक बार डाउट में पूछ लेना, बट ये सब आपके होमवर्क हैं, आपके अपने कॉपी में लिख लेने, ठीक है। अब पॉज करके इसको धीरे धीरे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। Okay, thank you, class.